कोरबा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर रानू साहू, महापौर राजकिशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर सद्भावना दौड़ शुरू करवाया। दौड़ घंटाघर चौक से कोसाबाड़ी चौक, आईटीआई चौक होते हुए वापस घंटाघर चौक पहुंची। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सद्भावना दौड़ आयोजन के बाद ओपन थिएटर में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि आपसी भाईचारा समाज व जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। जीवन भी एक दौड़ है, जहां आप रुक जाते हैं वहां आप पीछे हो जाते हैं और दौड़ने वाला व्यक्ति आगे हो जाता है। हमेशा जीवन में उत्साह बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहें। जो है ये आपसी भाईचारे सामंजस्य का प्रतीक है, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। आज सभी ने पूरे उत्साह के साथ जोश के साथ दौड़ा। इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, एक ही चीज कहूंगी कि जैसे ये दौड़ है वैसे ही जीवन भी एक दौड़ है। हमेशा अपना एक मूवमेंट बनाते रहे, जहां आप रुक जाते हैं वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप पीछे हो जाते हो और जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो आगे हो जाता है। दूसरा, आज जिस उत्साह के साथ, जिस भाईचारे की भावना के साथ आपने दौड़ा, यही जीवन में अपना एक उत्साह उमंग बनाए रखिए और हमेशा आगे बढ़िए। वही महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह दौड़ में सद्भावना का परिचय देते हुए भाईचारा का परिचय दिया, आपने इस दौड़ में उत्साह और उल्लास के साथ सद्भावना का परिचय देते हुए इस दौड़ में भाग लिया। मैं कामना करता हूं कि हम सबके बीच इसी तरह से परस्पर भाईचारा और सद्भावना हमेशा बना रहे और हम अपने जीवन में भी इसी तरह तरक्की करते हुए खुशहाली की हरियाली हम सबके जीवन में ऐसी तरह बना रहे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।